क्योंकि जब वो मैं से माँ बनी ना, तो उसे सबने एक अच्छी माँ बनने की नसीहत दी। उसे किसी ने नहीं बताया कि ममता में अक्सर मैं खो जाता है। On this beautiful note, guys, let's start our vlog. So, welcome back to our channel. और आज हम family outing के लिए आ गए हैं Dubai Fair. मतलब ये actually हर city में लगा था, तो आपने भी अपनी city में ज़रूर experience किया होगा. बहुत सुना, तो हम सब भी यहाँ देखने आ गए. और पहला जो हमारा reaction था, oh my god, इतनी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी. बाहर से तो बहुत ही ब्यूटीफुल था और अंदर भी काफ़ी अच्छा था. बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, मतलब सारी बहुत सारे स्टॉल्स थे खाने पीने के, शॉपिंग के लिए. और लाइक झूले बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे स्विंग्स थे, ऑलमोस्ट सारे थे आई थिंक. तो बच्चों के लिए, फैमिली आउटिंग के लिए ऐसे जगह अच्छी है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है. बट आप सबको, जब भी आप ऐसी जगह पर जाए, जब भी क्राउडेड जगह पर जाओ, तो बहुत ही कॉन्शियस होकर चलिए कि आपके लेफ्ट राइट कौन चल रहा है, कहाँ है. आपके साथ बच्चे हैं तो उनका हाथ कभी मत छोड़िए, या अगर छोटे हैं तो उन्हें गोदी में ही रखिए. पर्स वगैरह हर चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ना है, क्योंकि आपके साथ कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग ना हो, क्योंकि आप बाद में रिग्रेट करो. तो इसलिए हम सब भी बहुत कॉन्शियस थे. और वंश का हाथ मैंने पूरे टाइम होल्ड रखा, इवन मैं कैमरे पर बना रही थी, पर मेरा एक हाथ हमेशा उसके ऊपर था, मेरी नज़रें हमेशा उसके ऊपर थी. और चारों तरफ हमेशा ध्यान रखिए कि कोई आपके पास ऐसा तो नहीं है जो पूरे टाइम चल रहा हो, या आपको यू नो फॉलो कर रहा हो, या कुछ भी ऐसा आपके साथ होने वाला हो कोई मिसहैप, तो आप उसके लिए हमेशा रेडी रहिए. ऑल द एंजॉय हमने काफ़ी किया, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमारा दिमाग भी घूम गया. इनिशियली तो एवरीथिंग वॉज गुड, हमें अच्छा लग रहा था, काफ़ी सारे स्टॉल्स थे, सो हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करे. स्टेशनरी की शॉप बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, बहुत ही क्यूट क्यूट से आइटम्स थे जो आपको आई थिंक DIY वगैरह जगहों पे मिल जाएंगे. प्लस ये वॉचेस भी बहुत अच्छी थी, आई थिंक इसके लिए तो ये वाला प्राइस में ऐसी वॉच अमेजिंग है, बिकॉज इतनी जल्दी टूटती फूटती है ना. ऐसी जगह पे ज्वेलरी शॉपिंग, ईयरिंग्स मेनली तो करने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि बहुत सारा अच्छा कलेक्शन भी होता है इन लोगों के पास. तो हमने थोड़ी सी क्रॉकरी शॉपिंग भी करी, वो भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, क्योंकि एग्जीबिशंस और फेयर में आपको बहुत अच्छे कलेक्शंस मिल जाते हैं, जो नॉर्मली आप ऐसे एक ही जगह पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं ना, वो मिल जाता था, मज़ा आता है. मेवाज वॉज ऑब्सेस्ड बाय हिज वॉच, तो उसने पूरे टाइम पहन के रखी, उसमें म्यूजिक था, लाइट थी, तो टाइम देखना तो ऑब्वियसली नहीं आता, बट ही वॉज इन्जॉइंग इट. इन सब के बाद ही जैसे ही हमने राइट टर्न किया ना, हम भीड़ देख के हमारा दिमाग का दही हो गया. इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा था, घर वालों की एक्चुअली हालत ख़राब हो गई. बहुत ज़्यादा गर्मी थी और टू मच वाली हीट, मतलब बर्दाश्त के बाहर, और सफोकेटिंग सा लग रहा था, बहुत अजीब हो गया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ थी. तो हम लोग ने बस जल्दी जल्दी से सोचा कि बस यहाँ से कैसे तैसे निकल के भागें, लिटरली, क्योंकि हमारी हालत ख़राब हो गई थी. बट इसको शूटिंग वाला दिख गया, सो मेवांश वांटेड टू डू दिस.
आई थिंक पूरे फेयर में सबसे ज़्यादा सिर्फ मेहमान ने इन्जॉय किया, ऑल्दो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाया क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि फिर हमारी हालत ही ख़राब हो गई, हम एक मिनट भी रुक नहीं पाए। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ना हमें भूख लग रही थी ना वहाँ पे हमें कुछ भी था, ऐसा था बस भाग लें यहाँ से कैसे भी, और हमें सांस में सांस आए। तो बहुत ज़्यादा भीड़ के लिए अगर आप ऐसी जगह जाने का सोच रहे हो तो रेडी रहो मेंटली कि बहुत ही भीड़ मिलने वाली है। समर वेकेशन है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्मी, भीड़ और हालत ख़राब। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा ओके था। आई होप आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।